चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा तो चंद्रयान मिशन ही फेल हो गया। अब दूसरी मरतबा देखें ना, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने बताया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद ज्यादा है। अगर आप देखें तो मंगलियान जो इनका मिशन था वो उन्होंने जो कहना बहुत कम पैसों में, जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है, 5 times लेसर देन उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। अभी जो पीछे इन्होंने 2022 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अभी उसका धचका नहीं पाकिस्तानियों से बर्दाश्त। जय हिंद दोस्तों, निशम जाखड़ का स्वागत है। चंद्रयान 1 की विफलता के कारण पाकिस्तान ने भारत का काफ़ी मजाक उड़ाया था और काफ़ी किरकिरी हुई थी भारत की, लेकिन भारत ने इन सब चीज़ों से दरकिनार करते हुए खुद को एस्टैब्लिश किया और चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण 2022 में किया। उसी के साथ 2023 की शुरुआत में ही भारत ने एक ऐलान कर दिया कि जून तक के 2023 में वो चंद्रयान 3 का भी सफल परीक्षण करने जा रहा है। तो यही बात सुन के पाकिस्तानियों को जो मिर्ची लगी है, तो इसके बारे में पाकिस्तानियों के रिएक्शन आगे देखते हैं। इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। अभी जो 2023 शुरू होने वाला, भाई अपने ऑडियंस को आपको पता होगा कि हर साल के अंदर चंद्रयान मिशन करके ऑडियंस को गिफ्ट देते हैं, तो अभी एक और गिफ्ट देने जा रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो पीछे इन्होंने 2022 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अभी उसका धचका नहीं पाकिस्तानियों से बर्दाश्त हो रहा। और एज अ पाकिस्तानी तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई कमाल करते हो पांडे जी। जबरदस्त यार, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इन्फॉर्मेशन, स्पेस की नॉलेज किसी भी कंट्री के लिए कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर जाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल के फिर उसके अलावा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से फिर आपकी साइंस की टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेट कर जाती है, आपकी रिसर्च की टेक्नोलॉजी रिलेट कर जाती है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज आपस में इंटरलिंक हैं। तो जब ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो फिर आपकी कंट्री ऑब्वियसली ग्रो करती है। Exactly. तो इसमें इंडिया को कितना क्रेडिट देंगे कि वो हर साल, हर महीने, हर रोज उनका हर रोज आप पब्लिक को देखें ना, कितने बड़े तोहफे देते हैं कि भाई इंडिया ने शुरू कहाँ से किया था, एक साइकिल पे वो अपने मिसाइल को लेकर जा रहे थे, रॉकेट को, कि भाई वो स्पेस में जाएगा। तो इस चीज़ को जब शुरुआत ऐसी है तो अभी देखें ना, एंड पे अभी इसराइल और यूएई ने मिलकर ये मतलब कि फैसला किया कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को जो स्पेस एजेंसी है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बना देंगे मिलके, तो कैसे देखते हैं हम इंडिया के साथ दुनिया कोऑपरेट क्यों करती है? इसराइल की अगर बात की जाए तो वो इंडिया को वैसे भी बड़ा जो है वो आप कह लें कि सपोर्ट करता है, उनका वो एक आप कह लें अलाय है कि हर फील्ड के अंदर वो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, अभी आप यूएई की बात कर रहे हैं तो यूएई और उनकी भी आपस में काफ़ी कोलैबोरेशन चलती रहती है इंडिया वगैरह की, तो ये सवाल ये वाली खबर मेरे सामने नहीं है कि यूएई और इंडिया दोनों ने कहा है कि हम इसको जो है वो स्पेस का मतलब एक मास्टर बनाएंगे। तो मतलब अगर वो बन जाता है तो मेरा तो ख्याल है अभी भी वो मास्टर, अगर नासा के बाद देखा जाए तो इसरो ही सबसे आगे आ रही होती है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई उनकी वो खबर आ रही होती है कि भैया आज इसरो ने ये कर दिया, आज ये वाला रॉकेट लॉन्च किया है, आज ये वाला मिसाइल बना लिया है, फिर इसके बाद हमने अपना इंजन बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, स्पार्क को कहीं भी नहीं नज़र आ रहा होता। क्या वजह है कि हम इस स्पेस टेक्नोलॉजी को या आईटी को भी कुछ नहीं समझते, हम फिर किस चीज़ को सब कुछ समझते हैं? हम पॉलिटिक्स को सब कुछ समझते हैं। अच्छा, इसी वजह से डाउनफॉल पे जैसे जब तक हम पॉलिटिक्स को, अपनी पार्लियामेंट को, हम यही सोचते रहेंगे कि आज किसकी हुकूमत आएगी, कल किसकी हुकूमत जाएगी, जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो इस तरह की तरक्की जो है वो इजीली कर सकते हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया का? पाकिस्तान का फ्यूचर इन विच सेंस? इसी में स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान स्पार्को का तो मेरा नहीं ख्याल आ गया अभी कोई फ्यूचर है। अगर वैसे देखा जाए तो स्पार्को ने जो है वो इंडिया से पहले अपना स्पेस में रॉकेट भेजा था, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो स्पार्को इसरो जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई और पाकिस्तान के वही एक रॉकेट भेजा है, उसके बाद चाइना की मदद से रॉकेट भेजें, अपना कोई रॉकेट नहीं भेजा हमने। बिल्कुल सही यार।